हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोंटी जन सेवा केंद्र में। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो बिहार है उसमें बिजली विभाग का फॉर्म आया है, तो अगर आप भरना चाहते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक बात आपको मैं बता दूं दोस्तों, इसमें 10वीं ITI डिप्लोमा डिग्री दो इन सबसे फॉर्म भरे गए। 4016 पोस्ट आपकी निकाली गई है इसमें बिजली विभाग में। अब मैं इसका इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ दोस्तों। जो भी पहली बार आ रहा है चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, sarkariexam.com पर जाना है। ये इसकी वेबसाइट है, मैं इसका लिंक डाल दूँगा नीचे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 15 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई है, 15 दिन है आपके पास सिर्फ फॉर्म भरने का। एग्जाम डेट इसकी नवंबर से दिसंबर के बीच में ही कराई जाएगी। जनरल BC VC वालों की 1500 रुपये फीस है, SC ST PH की 375 रुपये फीस है, और फीमेल कैंडिडेट जो भी बिहार की रहने वाली है फीमेल, उनके लिए 375 रुपये फीस है। आप एज यहाँ पे 1 अगस्त 2024 से काउंटिंग की जाएगी, देख सकते हैं 18 साल से लेकर 21 ईयर भी दे रखे अदर पोस्ट, और मैक्सिमम 40 ईयर दे रखे हैं। 4016 पोस्ट आपकी निकाली गई है। अब पोस्ट के नेम यहाँ पे दे रखे हैं, जिस पोस्ट को भी आपको अप्लाई करना है तो जिस पोस्ट को लिए भी आप भरना चाहते हैं वो यहाँ पे आप भर सकते हैं। उसके सामने उसकी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी दी हुई है जो उनसी, जैसे मान ली ये वाली है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, इसमें ITI मांगी गई है 2 साल वाली, और इसमें जूनियर असिस्ट अकाउंटेंट क्लर्क की है, इसमें बैचलर डिग्री BCOM मांगी गई है, इसमें आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसमें भी देख लेना जो पोस्ट भरना चाहते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं मोर ऑफ द सेलेक्शन वैलिड स्कोर कार्ड आपका होना चाहिए, मेरिट लिस्ट में इसका सिलेक्शन होएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन सामने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है, इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको नाम डालना है, फर्स्ट नेम डालना है, मिडल नेम लास्ट नेम आपको डाल देना है। उसके बाद आपका नाम चेंज हुआ है कभी तो यस करिए, नहीं तो नो करना है। उसके बाद आएगा आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी 10वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डाल देना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, दोबारा से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और दोबारा से ईमेल आईडी, और जनरेट OTP पे क्लिक करके आपके नंबर पर OTP आएगा, OTP वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद ये कैप्चर मिलेगा, कैप्चर डाल के ये डाल देना है कैप्चर। और उसके बाद यहाँ री वेरीफाई पे क्लिक करके डिटेल वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पोस्ट सिलेक्शन, आप इस वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक हियर टू अप्लाई पोस्ट, इस पर क्लिक कर देना है आपको। अब आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो चुका है जो आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। तो नीचे आना है, सबसे पहले आपको अपना नाम देखने को मिल जाएगा, आपका लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे मैरिड है इन मैरिड है वो आप सेलेक्ट करना है। उसके बाद पिताजी का नाम डालना है, जो भी आपके फादर का नाम है 10वीं की मार्कशीट में वो नाम देख कर डालना पड़ेगा। माता जी का नाम डालना है, जो भी आपके माता जी का नाम है वो आपको डालना है। उसके बाद नीचे आना है, उसके बाद पूछा जाएगा आप पोस्ट कौन सी अप्लाई करना चाहते हैं, तो इनमें से जो भी पोस्ट को आपको अप्लाई करना है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेंगे। तो मैं जो पोस्ट भरा हूँ ये वाली है BCOM वाली। उसके बाद यहाँ पे आपका सिटीजन ऑफ इंडिया इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप इसे यस करिए, नहीं तो नो करना है। तो उसके बाद अगर आप ये इसमें यस करते हैं तो यहाँ पे जो उनसे भी जाती है आपके बिहार में जो भी जाति आती है अपनी जाति को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप बिहार से नहीं हैं तो आप इसे नो करेंगे,
और नो करने के बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना जनरल सेलेक्ट कर लेना है। और जनरल होने के बाद आपको आइडेंटिटी मार्क पूछा जाएगा, आपके चेहरे पे कोई कट मार्क तिल वगैरह है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए, नो मार्क डाल देंगे। उसके बाद एक आईडी आपको सेलेक्ट करनी है, इनमें से एक आईडी आप दे देते हैं, पहचान पत्र, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं। जैसे उसका नंबर डालना है आपको, उसके बाद उसका नाम क्या है, उस मतलब वोटर आईडी पे उस पर नाम क्या है आपका, उसका नाम आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है, और टिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। डाटा सेव हो जाएगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा, उसके बाद सेकंड ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको यस या नो में जवाब देना है पढ़ के, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। डाटा सेव हो जाएगा, फिर आपको अपना एड्रेस फिल करना है, जो भी एड्रेस है।